हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परफेक्ट सूजी का केक बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और ये सूजी का केक बहुत ही कम चीजों से बन जाता है, तो इसके लिए मैंने लिया है सूजी यानी रवा। तो इस तरह से देखिए, जो बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो ग्रेटर में डालकर इसे ग्रेट कर लीजिएगा और इस तरह से बारीक कर लीजिएगा, या फिर मिक्सी जार में डालकर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें अपनी सूजी को ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद हमने लिया है शुगर यानी चीनी, और ये हमारी 50 ग्राम है, और इसके अंदर हम शुगर डाल देंगे। अगर आप ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने लिया है अमूल क्रीम, जो हमारी 4 बड़ा चम्मच है, और इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टूटी फूटी, तो इस तरह से हमने टूटी फूटी डाल दिया। आप रंग बिरंगी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, जो हमारा येल्लो वाला है। आप इसमें ऑरेंज भी डाल सकते हैं, और हम येल्लो डाल दें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाएगा। तो चलिए देखिए कितना जाता है। एक चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो नाप से एक चम्मच है, चाय वाला चम्मच, इससे कम नहीं जाएगा। और इन सबको डालने के बाद अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, और जो भी ऑयल डालिए वो जो है, तो फ्रेंड जो भी ऑयल डालिए वो बिना स्मेल वाला ऑयल हो। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो आप बटर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम, और अब इसमें हम, तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें पानी लेना है, और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे। तो सूजी थोड़ी देर बाद फूल जाएगी, तो इसीलिए हमने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है, क्योंकि फूलने के बाद पानी अच्छे से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे और इसे अच्छे से फेटना है, ताकि इसमें जो चीनी हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए। तो इसे 1 मिनट तक आपको फेटना है, और कलर देखिए कितना खूबसूरत है। इसी तरह हमारा केक भी रेडी होगा। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसे रेस्ट देना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक का। तो इसे अच्छे से देखिए फेट लिया है मैंने, और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको फेटना है, देखिए। और अब इसे हम रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है, और इसे हम लास्ट बार इस तरह से फेट लेंगे। और थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम पतला करेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का पानी डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसे पतला कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूलने के बाद वैसे ही डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह से बैटर आपका होना चाहिए, देख लीजिए, न बहुत ज्यादा थिक है न बहुत ज्यादा लिक्विड है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, और जिसमें हमें बेक करना है तो ये हम ले लेंगे, और इसको हम ग्रीस करेंगे बटर से। तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, तो मैं बटर से कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से छूट जाए, और इसे ग्रीस अच्छे से करना है इस तरह से, देखिए। और इसे चारों तरफ से अच्छे से करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे, और इसे हम मैदे को इस तरह से फैला लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो केक है आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैदे को हमें कर लेना है, और जो ये एक्स्ट्रा मैदा होगा इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से, और हो गया है। अब इसको हम एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल लेते हैं, और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने से पहले आपको इसे मिक्स कर लेना है, और इस तरह से हम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज रंग भी डाल सकते हैं, मैंने पीला डाला है। और डालने के बाद हम इसे इस तरह से कर लेंगे, और अब चलिए इसे हम बिना ओवन के बेक करना आपको बताएंगे। तो फ्रेंड एक लोहे का तावा ले लीजिए, जिससे आप रोटी बनाते हैं, और इसको अच्छे से हीट कर लीजिए। कम से कम 15 मिनट पहले से हीट करने के लिए रख दीजिए, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर अपना ये बर्तन रखेंगे,
और फिर इसके बाद इसको हम ढक देंगे। तो मैं अप्पे पैन से ही ढक दे रही हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर परफेक्ट जा रहा है, और थोड़ा सा भारी चीज आपको रखनी तो अप्पे पैन मेरा भारी है इसलिए मैंने इसे इस तरह से रख दिया। और इस तरह से रखने के बाद आपको 20 से 30 मिनट तक इसे पकने देना है। गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वो हाई होना चाहिए और हाई फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक। और ये जो हमारा अप्पे पैन है ये लोहे का है और ये भारी है। अगर आपके पास भारी बर्तन ना हो तो आप इसकी जगह पर कुछ भारी सामान रख सकते हैं ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा, और अब इसे हम छोड़ देंगे और कम से कम 20 मिनट बाद चेक करेंगे। तो चलिए 20 मिनट बाद चेक करते हैं।